नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। तो आज हम दोस्तों इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम कड़ी को फीट, गज, हाथ, बित्ता, इंच और मीटर में बदल सकेंगे, कैसे जान सकेंगे। तो इस चीज़ को हम आज सीखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन आएगा उन्हें दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियो मैंने अपलोड मैं करूँगा उसे आप देख पाएंगे और उसे कुछ सीख पाएंगे। और जो भी हमारे वीडियो होंगे वो अमानत संबंधित वीडियो होंगी जिसे देखकर लोग सीख पाएंगे। और मेरा मतलब यही है कि मैं लोगों तक अमानत नॉलेज को पहुँचा सकूँ, उसमें मैं सहायता कर सकता हूँ। तो उसमें आपका सहयोग चाहिए, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं आगे की ओर। तो 100 करी बराबर, चूंकि 100 करी बराबर 66 फीट, इसलिए एक करी बराबर 66/100 बराबर 0.66 फिट। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि 100 करी बराबर 66 फीट होता है। उसके बाद उस तरह से हम रेशियो निकाले, 1 करी बराबर 66/100 बराबर जब भागा देके निकाला गया तो 0.66 फीट आया। तो इस तरह से हम करी को फीट बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं गज की ओर, चूंकि एक सौ करी बराबर 22 गज, इसलिए 1 करी बराबर 22/100 बराबर 0.22 गज। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं गज को किस तरह हम निकल पा रहे हैं। 100 करी बराबर 22 गज, इसलिए 1 करी बराबर 22/100 बराबर 0.22 गज। इस तरह से हम गज निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं हाथ की ओर, चूंकि 100 करी बराबर 44 हाथ इसलिए 1 करी बराबर 44/100 बराबर 0.44 हाथ। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि करी से कैसे हम हाथ बनाए हैं। तो 100 करी बराबर 44 हाथ होता है और एक हाथ का जो साइज होता है वो 18 इंच का होता है। तो इस तरह से 100 करी बराबर 44 हाथ और 1 करी बराबर 44/100 बराबर
0.44 हाथ आता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैंने फीट, गज और हाथ को यहाँ पर निकाला है। तो इस तरह से हम आगे की ओर देखेंगे, आगे की ओर वित्ता पे जाते हैं। तो दोस्तों, चूंकि 100 करी बराबर 88 वित्ता, इसलिए एक कड़ी बराबर 88/100 बराबर 0.88 दिखता। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 100 करी बराबर 88 बित्ता होता है। 88 बित्ता मतलब एक बित्ता जो होता है वो 9 इंच का होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 100 करी बराबर 88 बित्ता है और एक करी बराबर 88/100 बराबर यहाँ आया है 0.88 बित्ता। तो एक करी का जो साइज होता है बित्ता में वो 0.88 होता है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि 100 करी बराबर 792 इंच, इसलिए एक करी बराबर 792/100 बराबर 7.92 इंच। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं एक करी का जो है टोटल 100 करी जो होता है, 100 करी यानी कि एक जरीब जो होता है वो 792 इंच का होता है। और हम उसकी एक करी का साइज देखें तो 792/100 बराबर 7.92 इंच होता है, यानी कि एक करी का जो साइज होता है वो 7.92 इंच होता है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं। आगे हम चलेंगे, चूंकि 100 करी बराबर 20 मीटर, 100 करी बराबर 20 मीटर अब आगे देख रहे हैं, इसलिए 1 करी बराबर 20/100 बराबर 0.20 मीटर। तो इस तरह देख रहे हैं 100 करी बराबर 20 मीटर होता है और 1 करी बराबर 20/100 बराबर आ गया आपको 0.20 मीटर। तो एक करी का जो साइज होता है मीटर में देखें तो 0.20 मीटर होता है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह हम करी को फीट में, गज में, हाथ में, उसके बाद बित्ता में, आपको इंच में, मीटर में, कैसे हम इस तरह से देख पाते हैं, जान पाते हैं। तो इस तरह से हम कर पाएंगे।
और समझ पाएं। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको एक चीज और समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको करी को फीट में बदलते हैं, फिर फीट को करी में कैसे बदल सकते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा और उससे हम सारे चीज को समझ पाएंगे। तो उसे हम देखेंगे कैसे होगा। तो इसके लिए हम देख लें। तो यहाँ पर देखा गया कि अगर 0.66 से हम गुना करेंगे करी को, तो यहाँ पर बराबर फिट हो जाएगा। अब है इसी चीज को हम फीट को फीट में भागा दे दें 0.66 से, तो यहां पर करी निकल जाता है। यानी कि अगर हम फीट जानना चाहेंगे तो 0.66 से गुना कर देंगे करी की संख्या को, तो हमारा फीट निकल जाएगा। और अगर हम करी निकालना चाहते हैं तो फीट की संख्या और भागा 0.66 से दे देंगे, बराबर करी निकल जाएगा। तो इसी तरह से सभी पे लागू है, इसी तरह से हम कर सकते हैं। उसका जो भी मैंने बताया, जैसे कि 100 करी बराबर 66 फीट, तो इसका एक करी बराबर 0.66 फीट आया है। और इस तरह से देख पा रहे हैं कि 100 करी बराबर 22 गज, तो यहाँ पर एक करी बराबर 0.22 गज आया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि गुणन कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और फिर उसको भाग दे देंगे तो फिर करी में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकेंगे। तो ये सिस्टम अगर समझ गए तो कभी हम लोग मतलब भूल नहीं पाएंगे कि मतलब किस तरह से करी को फीट में बदला जाए, या फिर करी को गज में बदला जाए, या फिर फीट को करी में बदला जाए। यानी कि जो भी कुछ है उस चीज को हम भूल नहीं पाएंगे इस फॉर्मूला के तहत। तो आज इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो में पेश करूंगा इसके बाद।